शौर्य और राजवीर की हाथापाई। एक दूसरे के दुश्मन बने भाई। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में जेल में शौर्य से मिलने के लिए पहुंच गई है काव्या पलकी और राजवीर के साथ। असल में काव्या और राखी माँ दोनों प्रीता के घर पहुंचे थे राजवीर से मदद मांगने के लिए, क्योंकि इन दिनों करण बीमार है। ऐसे में शौर्य की मदद केवल राजवीर ही कर सकता है। बस उन्हीं की मदद करने की खातिर राजवीर और पलकी काव्या के साथ जेल आए हुए हैं, लेकिन उन्हें देखकर शौर्य हैरान है और साथ ही अपनी बहन काव्या पर नाराज होने लगता है। ये देखकर पलकी को भी आ जाता है गुस्सा और वो भी शौर्य से नाराजगी जताकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी राजवीर शौर्य को बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। बस फिर क्या, उसी के बाद शुरू हो गया ड्रामा। बार बार बोलो मैं तेरी हेल्प करने आया राजवीर मेरी हेल्प करने आया है। मैं इस जेल में हूँ, इस सिचुएशन में हूँ तो तेरी वजह से। हॉस्पिटल में गुंडे तुझ पर अटैक करने आए थे, जिसकी वजह से मेरे डैड इन्वॉल्व हुए। उन पर भी अटैक हुआ, तब जाकर मैं इन्वॉल्व हुआ। मैंने उन गुंडों का पीछा किया, तब जाकर मैं अंशुमन पांडे के घर पहुंचा और वहां से अंशुमन ने गेम्स खेले और मुझे यहां तक पहुंचा दिया। पता है रीजन कौन है राजवीर? तू। तेरी वजह से मैं यहां पर। बातचीत तो शौर्य को कन्विंस करने के लिए चल रही है अभी। तो एक तरीके से देखा जाए तो शौर्य इज़ नॉट कन्विंस कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो बस कहा सुनी चल रही है शौर्य और राजवीर के बीच में। अभी तक मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाया कि वो सारी बातें मुझसे शेयर करे और कहीं ना कहीं मैं उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ तो वो अब मुझे हेल्प करने दे। भाई राजवीर ने कोशिश तो बहुत की शौर्य को समझाने की, लेकिन शौर्य उसकी नाराजगी राजवीर और प्रीता दोनों से ही बढ़ती जा रही है। और इसी नाराजगी में गुस्से में आकर शौर्य ने राजवीर से उसकी माँ प्रीता के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर राजवीर को आ गया गुस्सा और दोनों भाइयों के बीच शुरू हो गई झड़प। बता मुझे आखिर ऐसा क्या है जो तेरी मासी और मेरे डैड के बीच में? कोई सीक्रेट अफेयर, कोई मैक्सिमम मैरिटल अफेयर, कोई प्यार, कोई आशा? मैं प्लीज मेरी मां के खिलाफ एक शब्द भी मत बोल। तू बोल सकता है मेरे डैड के बारे में? तू बिल्कुल बोल सकता है क्योंकि वो है ही। ये दोनों लव बॉयज ना हमेशा हमेशा ये बोला चढ़ा एक शब्द भी बोला ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो कुछ ऐसी बातें कह जाता है मेरे फैमिली के बारे में जो राजवीर कभी सुन नहीं सकता, तो उसके वजह से हाथापाई हो जाती है। हाथापाई नहीं, वो थोड़ा सा यू नो भाइयों के बीच में कभी कभी हो जाती है टकरार, तो टकरार है और कुछ भी नहीं। पहले तो अभी राजवीर को गुस्सा आ चुका है कि उसने ऐसी बातें की, तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करेगा वो शौर्य से, क्योंकि राजवीर कभी चुप नहीं बैठता। अब जब आगे जाके शौर्य राजवीर की हेल्प करने के लिए मतलब हेल्प लेने के लिए अग्री कर जाएगा तब जाके राजवीर हेल्प कर पाएगा। फिलहाल तो राजवीर गुस्से में आकर शौर्य के पीछे पीछे सलाखों के अंदर चला गया है। अब देखना होगा कि क्या ये दोनों मिलकर अपनी बातों को सुलझाएंगे और क्या राजवीर शौर्य की मदद कर पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। और हाँ, सोशल मीडिया और GNT के साथ साथ आप सास बहू और बेटिया को देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पे। जी हाँ, दुनिया के किसी भी कोने से। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।